दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व विधायक शादीराम, उनकी पत्नी, बड़ी बहू और बेटे को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि परिवार वालों ने मिलकर छोटी बहू रेखा की हत्या की। 28 साल की रेखा 7 महीने गर्भवती थी। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है रेखा की मां किरण चौधरी, उनकी छोटी बहन सुरेखा चौधरी, उनके भाई प्रशांत भी हमारे साथ हैं और रेखा की ताई जी राजपाला भी। हम इन सबसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से रेखा को प्रताड़ित किया जाता था, उसकी पूरी कहानी। लेकिन पहले ये पूरा मामला देखिए। क्या पूर्व विधायक शादीराम के परिवार ने अपनी 7 महीने की गर्भवती बहू की हत्या कर दी? त्रिनगर में पूर्व कांग्रेस विधायक शादीराम, उनकी पत्नी, बेटी और बड़ी बहू पुलिस की गिरफ्त में हैं। इन पर IPC की धारा 498 और 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शादीराम के परिवार का कहना है कि उनकी बहू ने आत्महत्या की है, लेकिन रेखा के घर वालों के मुताबिक ये कहानी झूठी है। दरअसल उनके लड़के से हमने अपनी सिस्टर की शादी की थी, तो उन्होंने ये बताया कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया है और आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचे तो पूरे गांव में या पूरी कॉलोनी में किसी को खबर नहीं कि इस घर में ऐसा कोई हादसा हुआ है। अगर कहीं हादसा होता है तो सबसे पहले पड़ोसियों को पता चलता है, पड़ोसियों को कानो कान खबर नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। वहाँ पहुँचने के बाद हमने देखा ना ही कोई लड़की मिली, ना ही कोई पुलिस को खबर, ना ही कुछ। उसके बाद पुलिस को भी हमारे जाने के बाद ही पता चला है कि ऐसा कुछ हुआ है वहाँ। तो हमें तो पूरा हमने ही पुलिस को बुलाया और हमें पूरा शक या पूरा यकीन है कि इसकी हत्या की गई है। दिवाली से एक दिन पहले शनिवार दोपहर 2:05 पर शादीराम ने रेखा के ताऊ सुखबीर को बताया कि रेखा ने आत्महत्या कर ली है। आनन फानन में परिवार रेखा के ससुराल पहुंचा और पुलिस को खबर की। पिछले साल 11 दिसंबर को पूर्व विधायक शादीराम के बेटे सुधांशु से रेखा की शादी हुई थी। रेखा 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। घर वालों का कहना है कि शादी के बाद से ही रेखा को दहेज के लिए परेशान किया जाता था और इसी वजह से आखिरकार रेखा की हत्या कर दी गई। टॉर्चर करते थे और दहेज की मांग करते थे। और अब तक हम 11 दिसंबर को उसकी शादी हुई थी पिछले साल 2012 में, और अभी 11 नवंबर भी नहीं आया, करीबन 11 महीने भी नहीं हुए, और 15-16 लाख रुपए हम शादी के बाद भी इनको कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके, जो एक भाई का एक पिता का फर्ज होता है, वो किसी न किसी तरह इनका कि हमारी लड़की ससुराल में खुश रहे, फिर उसके बावजूद भी यह हादसा हो गया, ये कर दिया उन्होंने। रेखा के घर वालों के मुताबिक उन्होंने बड़े ठाट से पिछले साल बेटी की शादी की थी। एक शादी जो एक बढ़िया क्लास की शादी होती है, एक क्लास की शादी हमने करी। 2 गाड़ियां दी थी हमने, एक फॉर्चुनर गाड़ी, एक पोलो गाड़ी दी थी हमने। लेकिन ससुराल में कदम रखते ही रेखा पर दहेज का दबाव बनने लगा। जिस दिन से ये लड़की हमारी गई थी, तो जिस दिन पहली बार गई थी, पहली बार से ही लड़की के सारे जेवर उतरवा लिए थे। जो सूट नए नए लेके थी सारे ले लिए थे इसकी ननद ने कि भाई ये सारे हमें दे दे तू। उसने कहा कि भाई दीदी ये सब कुछ आपका ही है, आप भी ले लो। इसने हमारे घर भी नहीं आके बताया कि भाई ऐसे मेरे से सारा सामान ले लिया इन्होंने। फिर कोई दिवाली या त्योहार आता कि हमारे लिए ये कपड़े लेके आना, हमारे लिए ये हार लेके आना। रेखा के घर वालों का आरोप है कि रेखा के पति सुधांशु को शराब की बुरी लत है, उसे एडवोकेट बताकर शादी कराई गई थी। ये सुधांशु नाम का लड़का था जी, शादीराम विधायक थे पहले, ये इनका लड़का है, ये हमें बताया गया था ये वकील है, पर ये वकील कुछ नहीं था, शराबी था ये। कई आरोप हैरान करने वाले हैं। जब रेखा की मौत की खबर मिलने के बाद मायके वाले त्रिनगर पहुंचे तो कमरे में रेखा का शव बिस्तर पर पड़ा था। गले के निशान देखकर ये नहीं लग रहा था कि फांसी के झूलने का निशान पड़ा। दरअसल फांसी लगाने पर रस्सी का निशान गले में ऊपर की तरफ होता है, जबकि रेखा के मामले में निशान बीचों बीच है। घर वालों का कहना है कि पास के डाइनिंग टेबल के नीचे घर के पालतू जानवर के पट्टे का गला पड़ा था। आरोप है कि इसी से गला दबाकर रेखा की हत्या की गई थी। मामले में पुलिस को भी रेखा के मायके वालों ने खबर की, पड़ोसियों को भी आत्महत्या के बारे में कुछ खबर नहीं थी। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश जारी है। आज बाबू जगजीवन राम अस्पताल में रेखा के शव का पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद मामले में कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। सत्येंद्र उपाध्याय के साथ मनीष प्रसाद, IndiaTV, दिल्ली। और हमारे साथ रेखा की मां मौजूद हैं, उनकी छोटी बहन सुरेखा चौधरी हैं, भाई प्रशांत चौधरी हैं। मैं पहले किरण जी के पास जाऊंगी, रेखा की मां है। किरण जी, मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए ये मुश्किल समय है, आपने अपनी बच्ची को खोया है, लेकिन किन परिस्थितियों में पता चला आपको अपनी बच्ची की मौत के बारे में, किसने बताया, कब पता चला? साउथ से आए थे, उनके पास फोन आया था कि ऐसे ऐसे हो गया। हमारे को तो किसी को यकीन भी नहीं हुआ था ऐसे हो गया। टॉर्चर तो उसको करा जा रहा था शुरू से ही, लेकिन वो कहती थी कि मैं सब कुछ निभा लूँगी, कुछ नहीं पापा, आप पापा मम्मी परेशान मत हो, मैं सब कुछ निभा लूँगी, बच्चे को जाने दो, फिर मैं अपना यही क्लिनिक खुलवा लूँगी, मैं बच्चे को पाल लूँगी, मेरा बच्चा कैसा होगा, किसकी शक्ल पे होगा, मेरे बच्चे के लिए ऐसा झूला लाना, ऐसा करना।
जिस समय सास उसकी एक कमरे में कई कई बार पोछा लगवाती थी, पोछा लगाते लगाते उसके पीछे से लात मारती थी सास नंद, कहती थी तू तो अपने घर कुछ बताएगी तो तेरे को उसी दिन खत्म कर देंगे। ये सब बातें किरण जी आपको कभी रेखा ने नहीं बताई? कब पता चला आपको कि इस तरह से तंग करते थे? वो रेखा बताती थी लेकिन ये कहती थी कि ठीक हो जाएंगे, बच्चा होने के बाद ठीक हो जाएंगे। ये आस थी उसे, ये उम्मीद थी। हाँ जी सुरेखा, मम्मी अपने पास ही बिठाए रखती थी रात को 3-3 बजे तक, कह रही थी कि मतलब जिस दिन तू बताएगी उसी दिन तेरे को खत्म कर देंगे, घर पे किस कुछ भी बात बताएगी। पैर दबवाती थी, पैर दबवाती थी और जब मारा है तो सारे कमरे में बाल वाल सब बिखरे पड़े थे उसके। जो आपकी आपकी बेटी की तस्वीरें इस वक्त हम चला रहे हैं और मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि इतनी खूबसूरत लग रही है रेखा शादी के लिबास में, लेकिन मैं सिर्फ ये कहे इस वक्त हम सिर्फ उनकी तस्वीरें देख सकते हैं, हमारे बीच अब रेखा नहीं है। थोड़ा आपको किरण जी, थोड़ा आपको अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि इस पूरे मामले में, इस केस में आपकी बेटी के साथ नाइंसाफी अगर हुई है तो इस पूरे मामले में आपको अपने आप को थोड़ा ढाढ़स बंधाकर ही इस मामले को आगे ले जाना होगा। सुरेखा, बहनें आपस में बहुत कुछ शेयर कर लेती हैं, बांट लेती हैं, बहुत क्लोज थे हम दोनों एक दूसरे के। लास्ट जब वो जिस दिन उसकी डेथ होने वाली थी उस दिन बात हुई है मेरी उससे सुबह 7 बजे के, वो रात से आया नहीं है सुधांशु और मैं रात से सो ही नहीं हूँ, इतनी बुरी तरह से रो रही थी, बस नॉनस्टॉप मैंने समझाया रो मत, तेरे बेबी पे भी असर पड़ेगा, तू उन्हें कुछ खा के नहीं, रात से कुछ नहीं खाया। मैंने कहा उन लोगों ने भी नहीं बोला, कह रही नहीं, और वो आया नहीं है। मैंने कहा उनको बता जाके, वो रात से, कह रही उनको पता है वो नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। मैंने कहा तू रुक, फिर मैंने रख दिया था फ़ोन। फिर दोबारा बात हुई है 10 मिनट बाद, कहती मैंने कहा तू टेंशन मत ले, मैं पापा को ताऊ जी भाई को भेजती हूँ। कहती नहीं अभी मत भेजना, मैं आज देखती हूँ उसके बाद तुम लोगों को बोलूँगी। तो फिर भी मैंने ताऊ जी और पापा को बताया, ताऊ जी ने फ़ोन किया शादीराम जी को, ताऊ जी से के थ्रू ही रिश्ता हुआ था क्योंकि वो भी कांग्रेसी है और शादीराम जी। तो शादीराम ने बोला कि हमें तो पता ही नहीं था वो आया नहीं है, रेखा को हमें बताना चाहिए था, उन्होंने झूठ बोला, उनको सब पता था। तो सास इतने में जाती है कहती है कि तूने सुखबीर को क्यों बताया, मेरे ताऊ जी सुखबीर हैं, वो भी पॉलिटिशियन है और वो भी, क्योंकि और तूने उनका फ़ोन आया है कि तूने उनको फ़ोन किया है। रेखा ने कहा मुझे तो बताना ही था। कहती क्यों बताया, ससुराल की बातें क्यों बताई तूने वहाँ पे, अगर तूने बताया तुझे मार डालेंगे, इतनी बुरी तरह से उसको टॉर्चर करा हुआ था लड़की को। तो उसका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बोला है, मैंने कहा तू रुक। उसके बाद मैंने उसको 10 मिनट बाद दोबारा फ़ोन किया है 10 बजे, उसने कोई फ़ोन पिक नहीं किया, कुछ नहीं किया, मुझे लगा शायद सुधांशु आ गया है, वो नीचे काम करने चली गई है। फिर 2 बजे शादीराम का फोन आता है कि ऐसे ऐसे रेखा ने अपने आप को फांसी लगा लिया, सुसाइड कर लिया है। जी, तो कांग्रेस के पूर्व विधायक शादीराम और उनका पूरा परिवार इस वक्त जेल में है, आरोप है छोटी बहू रेखा की हत्या का। रेखा का परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, रेखा के भाई प्रशांत चौधरी हमारे साथ हैं। प्रशांत, शादीराम और उनका परिवार कह रहा है कि रेखा ने आत्महत्या की है, आप लोगों को क्यों लगता है ये हत्या है? मैम हमें इसलिए लगता है कि ये हत्या है क्योंकि मैम जिस टाइम हम पहुंचे हैं वहाँ पर हमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि वो हत्या वो आत्महत्या का माहौल, क्योंकि वहाँ पर देखा वो शादीराम जी खुद आए थे, उन्होंने गेट बकायदा बंद किया हुआ था जहाँ पर उनकी बॉडी पड़ी हुई थी, कोई एक सिंगल बंदा नहीं था। आस पड़ोसियों को ये तक नहीं पता कि हाँ जी अंदर किसी की डेथ भी हो गई है, कोई नहीं रोता नहीं कुछ, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऐसा पड़े हुए थे जैसे लवारिस लाश हो, कोई भी हमें बकायदा कुंडी खोल के ये कहा गया ये देखो ये पड़ी हुई। अब बताइए हमारी बहन है, हमें पता है हमने कैसे माहौल वहाँ पे कंट्रोल किया है, वहाँ पे उन्हें अगर हम मार देते या कुछ कर देते तो क्या हो जाता, लेकिन हमें अपने कानून में विश्वास था, हमने कहा कि पहले पुलिस को, उन्होंने पुलिस तक को इन्फॉर्म नहीं किया, हमने खुद पुलिस को फ़ोन किया है वहाँ से कि जी ऐसे ऐसे बात हो गई है, उनका कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था, उल्टा वो हमें कह रहे थे, लेकिन ये वो हमें इतना दुख हुआ था उस टाइम जाके, इन्होंने साफ साफ वहाँ पे वो कहते कि हमने चुन्नी, उनके स्टेटमेंट है इनके ससुर का कि जी चुन्नी से लटकी हुई थी लाश, तो मैम सीधी सीधी ये थी अगर उन्होंने चुन्नी, वो कहते कि चुन्नी काटी थी हमने कैंची से, अगर चुन्नी उन्होंने कैंची से काटी थी तो आपने नीचे गर्दन की उनकी चुन्नी खोल दी, लेकिन आपने पंखी की भी चुन्नी खोल दी, आप पे इतना टाइम था वहां पर मैम, ये चुन्नी ऊपर की कुछ नहीं था, पंखा बिल्कुल ठीक था और ऊपर कोई वहां पर नहीं था, अंदर जो वो थे सुधांशु
जो हस्बैंड थे उनके, वो नीचे कमरे में थे। आप लोगों को ये लगता है कि पूरा स्टेज मैनेज किया गया वहां पर, ये दिखाने की कोशिश की गई कि यहाँ पर आत्महत्या हुई है लेकिन ये थी हत्या? जी बिल्कुल। पत्नी बहू रेखा की हत्या के आरोप में कांग्रेस के पूर्व विधायक शादीराम और उनका पूरा परिवार इस वक्त जेल में है, लेकिन रेखा के परिवार को अभी भी लगता है कि ये लोग आसानी से छूट जाएंगे। अब सुरेखा, क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि वो लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि हमारी इतनी जैक है, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। सास हमारे मुंह पे बोल के गई है जब उसे पुलिस लेके जा रही थी कि तुम कुछ नहीं कर सकते, शीला दीक्षित हमारे साथ हैं, ये 2 बार MLA रह चुके हैं। जब इनको मर्डर करते हुए डर नहीं लगा, वो भी डबल मर्डर, तो उनको जेल जाने का क्या डर है? पता है आज नहीं तो कल वापस आए जाना है इनको। पूरा सपोर्ट है इनको कांग्रेस का। ये वो कहते हैं, ये इस तरह की बातें रेखा के ससुराल वाले कहते हैं। प्रशांत, इतने समय से रेखा को तंग किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, आपने पहले नहीं सोचा कि कोई कंप्लेन दर्ज कराएं? नहीं मैम, हम क्या सोचते हैं, हमने यही सोचा कि सुधर जाएंगे, ठीक है। उनसे बात करते थे तो वो ऐसा रिएक्ट करते थे कि सब ठीक है, वो ये कहते थे कि नहीं कुछ नहीं होगा, हम खुद ही एक्शन लेंगे इसके ऊपर और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम आप देख सकते हैं शादी को दिन ही कितने हुए हैं, मुश्किल से मुश्किल साल, अभी पूरा साल भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैम इसमें हम क्या एक्शन ले सकते थे या क्या करते, वो हमें उन्होंने मौका ही नहीं दिया इतना। उन्होंने सीधा सीधा हमारी बहन को मार दिया गया, अब हम क्या कर सकते हैं? अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि इन्होंने पूरी पूरी सेटिंग कर दी है ऊपर, इन्होंने डॉक्टर तक खरीद लिए हैं, ये दबाव डाल रहे हैं कि जी एक डॉक्टर से पोस्टमार्टम कराए, हम पूरी पैनल के हक में हैं। इन्होंने अब भी इतना डिले कर दिया हमारा टाइम कि वो बस ऐसी डिले पे डिले कर रहे हैं, पीछे से आ रही है। पुलिस वाले एक हद तक ठीक है हमारे साथ है, मगर हमें नहीं लग रहा है उन्होंने कि हमारे बिल्कुल फेवर में है, वो अगेंस्ट एक्शन ले ही नहीं रहे। उनका भाई था, उनको हमने बकायदा अरेस्ट कराया था। पुलिस का रवैया किस तरह का रहा है मैम? पुलिस का रवैया बहुत ही निराशाजनक रहा है क्योंकि हमने जिस टाइम उनका भाई, वो बड़ा भाई जो फरार है, एक ननंद जो उनकी बहन थी वो फरार है और एक बड़ा भाई फरार है, बड़े भाई को बकायदा मैंने अपने हाथों से पुलिस की जीप में बिठाया है, तो उस टाइम वो था। उसके बाद वहां पे देखा है हमने थाने में जाके, क्योंकि हम आगे पीछे हो गए थे, थाने में जाके देखा कि जी एक आदमी भाग गया, पता नहीं कहां भागा, पुलिस वालों के बीच में से भागा। और उसके बाद हमने ACP से कहा कि जी कहां है वो, यू कहते अभी तुमने केस रजिस्टर्ड नहीं कराया, अभी रजिस्टर्ड नहीं कराया तो अभी, हमने कहा ये भी क्यों खड़े हुए, इन्हें भी छोड़ दो भाई, सीधी बात है, हमने केस अभी तो हमारा रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं, FIR हुई नहीं है, तो इन्हें भी छोड़ दो, इन्हें भी क्यों पकड़ रखा। यानी आरोप ये कि पुलिस भी आप लोगों की बहुत ज्यादा मदद नहीं कर रही है। अब राजबाला जी, हाँ जी, काफी समय से आपकी बच्ची को तंग कर रहे थे, क्या क्या बताती थी आपको? हमें तो वो बहुत डिस्टर्ब थी लड़की, बहुत ही परेशानी में थी और रोती थी घर में, ऐसे डिस्कस करती थी हर तरह से कि भाई बहुत परेशान कर रहे हैं, झाड़ू लगवाते हैं, पोछा लगवाते हैं, पैर दबाती हूँ, पैर दबाते वक्त लात मारती है सास कि तेरे हाथों में जान नहीं रही क्या, तेरे हाथ टूट गए हैं, इस तरह से प्रताड़ना करती थी। लड़का ड्रिंक करता था, नशे का इंजेक्शन लगाता था, गांजा पीता था, स्मैक पीता था, हर कुछ ऐब था उसमें, लड़कीबाजी करता था दुनिया भर की, लड़की इतनी डिस्टर्ब हो गई थी बहुत ज्यादा। ये बात इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि रेखा गर्भवती थी, 7 महीने गर्भवती थी।